फाइनेंशियल मार्केट में अगर कोई खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC का IPO जो 4 मई से सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल होगा, जिसके एक शेयर का प्राइस 902 रुपए से लेकर 949 रुपए फिक्स किया गया है और इस IPO के जरिए सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 5,630 करोड़ रुपए QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से इकट्ठा करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि सोमवार को QIBs के लिए IPO खुलते ही ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। LIC को 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिड्स मिली और अब कल से आम जनता के लिए ये IPO खुलने वाला है, जिसके लिए इन्वेस्टर्स काफी मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले शेयर मार्केट का एक थंब रूल है कि जिस कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है उसके बारे में पहले अच्छे से जान लेना चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको LIC की हिस्ट्री के बारे में और साथ ही बात होगी LIC के बिजनेस और इसके प्रॉफिट पर, और बताएंगे आपको कि LIC का IPO सरकार के लिए इतना जरूरी क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात LIC के इतिहास की। 19 जनवरी 1956 को लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना और भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया गया और इस तरह 245 इंश्योरेंस कंपनियों को मर्ज कर एक इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई, जिसे नाम दिया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC। LIC का स्लोगन रखा गया योगक्षेम व्यामहम, जिसका अर्थ होता है आपकी समृद्धि हमारी जिम्मेदारी है। यह स्लोगन श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक से लिया गया था। भारत सरकार ने उस वक्त LIC में 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी और इस कंपनी में 100% शेयर भारत सरकार का ही है। तब से लेकर अब तक ये कंपनी सरकार के ही कंट्रोल में काम कर रही है, लेकिन अब सरकार ने कंपनी का 3.5% स्टेक बेचने का फैसला किया है। रही बात LIC के बिजनेस की, तो LIC के पास देश का सबसे बड़ा ऑफिसेज का नेटवर्क है। LIC के पास 8 जोनल ऑफिसेज हैं, 113 डिविजनल ऑफिसेज, 74 कस्टमर जोन्स, 2048 ब्रांच ऑफिसेज और 1546 सैटेलाइट ऑफिसेज हैं। यही नहीं, देश भर में LIC के 42,000 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पॉलिसी होल्डर्स अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। LIC के कस्टमर बेस की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं। LIC का रुतबा इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि भारत में LIC के बाद दूसरे नंबर की इंश्योरेंस कंपनी HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, जिसके पास सिर्फ 6 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं। अब लगे हाथ LIC के बिजनेस और प्रॉफिट पर भी बात कर लेते हैं। हर साल कंपनी के पास करीब 3,00,000 करोड़ रुपए प्रीमियम के तौर पर जमा होते हैं। LIC की 2019 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पास करीब 36,65,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। लाइफ इंश्योरेंस के बाजार में अकेले 66.24% हिस्सा LIC के पास है। जो भी नई पॉलिसी हो रही है उसमें से अकेले LIC की हिस्सेदारी लगभग 75% है। इस कंपनी के साथ सीधे तौर पर 285,019 लोग काम करते हैं। इसके अलावा एजेंटों की संख्या 21,94,000 है और लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार सालाना 12-15% की दर से बढ़ रहा है। रही बात प्रॉफिट की, तो 30 सितंबर 2021 तक के आंकड़ों की बात करें तो 2021-22 के आधे साल में कंपनी ने 1,437 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, जो पिछले आधे साल में सिर्फ 6 करोड़ रुपए था। इंश्योरेंस 100 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में LIC को तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग और 10वां मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड माना गया। LIC को लेकर भारत में इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ऐसा है कि दिसंबर 2021 तक पिछले साल 9 महीनों में LIC ने जितनी भी पॉलिसीज बेची उनमें से 75% खरीदार नए पॉलिसी होल्डर्स थे। खैर, ये तो हुई अच्छी अच्छी बातें, लेकिन अब कुछ नेगेटिव फैक्ट्स भी जान लेते हैं। LIC का NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट पिछले 5 साल में दोगुना हो गया है। 31 मार्च 2021 तक कंपनी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कंपनी के टोटल पोर्टफोलियो
4,51,303 करोड़ रुपए में से 35,129 करोड़ रुपए एनपीए हैं। आम तौर पर एनपीए 1.5 से 2% तक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मार्च 2021 तक कंपनी का ग्रॉस एनपीए 7.78% है। हालांकि पिछले साल से कंपेयर करें तो 2020 में ग्रॉस एनपीए 8.17% था, जो 2021 में थोड़ा कम हो गया। अब आते हैं इस अहम सवाल पर कि LIC का IPO सरकार के लिए इतना जरूरी क्यों है। 2021-22 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने डिसइन्वेस्टमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के प्राइवेटाइजेशन के जरिए 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। ऑफिशियल्स के मुताबिक सरकार ने जो टारगेट सेट किया था उसमें से बड़ा हिस्सा LIC के IPO के जरिए आना था, लेकिन पिछले साल सरकार सिर्फ 13,561 करोड़ रुपए ही डिसइन्वेस्टमेंट से इकट्ठे कर पाई और इस साल सरकार हर हालत में अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करना चाहेगी, जिसमें LIC के IPO का एक बड़ा रोल है। यही कारण है कि सरकार हर तरह के ऑफर के जरिए LIC के IPO को कामयाब करने में लगी हुई है। हालांकि पहले सरकार ने LIC के IPO से 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, जिसे बाद में रशिया यूक्रेन वॉर के चलते फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा सेलिंग को देखते हुए 21,000 करोड़ रुपए करना पड़ा। अब देखना ये होगा कि 9 मई तक LIC का IPO कितना सब्सक्राइब होता है और 17 मई को जब LIC का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा तो ये कितना सफल हो पाता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स भी इस बात के लिए प्रे कर रहे हैं कि कहीं LIC के IPO का हाल भी पेटीएम के IPO जैसा ना हो। अब बस इंतजार है तो सिर्फ 17 मई का। तो ये है LIC का पूरा गणित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।